सोलन में महिला अधिकारी की हत्या के आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जिसके चलते पुलिस थाना धर्मपुर से आरोपी विजय को कसौली न्यायालय में लाया गया। आरोपी को भारी सुरक्षा के बीच लाल रंग की गाड़ी में कसौली न्यायालय लाया गया। इस दौरान पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद रहा। पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर अधिक से अधिक दिनों का रिमांड लेने का प्रयास कर रही थी, ताकि वे जरूरी साक्ष्य एकत्रित कर सके और इस घटना के आरोपी ने कैसे अंजाम दिया इसकी जानकारी हासिल कर सके। आरोपी विजय को 5 दिन का रिमांड मिला है और अब उसे बुधवार को दोबारा न्यायालय में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि आरोपी विजय कसौली में हुए गोली कांड का आरोपी है। आरोपी विजय पर एक महिला अधिकारी की ड्यूटी के दौरान हत्या का आरोप है। आरोपी को उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन से पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसे कसौली न्यायालय में पेश किया गया। इस मौके पर विजय कुमार के वकील प्रशांत दुबे ने बताया कि विजय को न्यायालय से 5 दिन का रिमांड मिला है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने न्यायाधीश की अपील की थी कि वे विजय को रिमांड पर लेकर हत्या के दौरान उपयोग में लाए गए हथियार बरामद करना है, साथ ही इस घटना को साबित करने के लिए और भी कई साक्ष्य एकत्रित करने हैं। इसलिए न्यायाधीश ने उनकी बात मानी और विजय को बुधवार तक रिमांड पर भेज दिया है। वेनेसडे को रिड्यूस किया जाएगा और इनको इस कारण भेजा गया क्योंकि इनका जो वेपन इन्होंने इस्तेमाल किया उसको रिकवर नहीं हुआ है अभी तक। तो दोबारा कब किया जाएगा? कोई चांसेस और भी थे इनके लिए? सॉरी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात है, जब तक वेपन नहीं मिलेगा उस वक्त इनको तब तक रिमांड भी दिया गया। कुछ और भी रिकवरी प्रशांत सिंह जो इनसे मोस्ट जो रिकवरी है इनकी सिर्फ इनकी पिस्टल की ही रिकवरी है, जो कहाँ से गए, किन किन के पास रुके, इस कारण के लिए इनको भेजा है पुलिस कस्टडी में। इनका जो मानसिक संतुलन था क्या वो सही था, क्या हम बोलेंगे? इनका मानसिक संतुलन तो मैं बोल नहीं सकता, ये इन्वेस्टिगेशन की बात है। गौरतलब है कि सोलन में अवैध निर्माणों को लेकर विभाग की हो रही संयुक्त कार्रवाई के दौरान होटल मालिक के विरोध स्वरूप चलाई गई गोली से महिला अधिकारी की मौत के मामले में पकड़े गए आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया है और उसने खुलासा किया है कि उसने कार्रवाई के दौरान महिला कर्मी को पिस्टल से डराने की कोशिश की थी, लेकिन आवेश में आकर गोली चल गई। आरोपी से मिली जानकारी से पता चलता है कि उसने हत्या के दौरान उपयोग में लाई गई पिस्टल को रेलवे ट्रैक पर कहीं गिरा दिया है और इस पिस्टल को तलाशने के लिए पुलिस ने कोर्ट से 5 दिन का समय मांगा है।